स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने जा रहे हैं। आज हम ऐसी 7 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एक आंसर शीट को एक टॉपर टच देगी। अगर आप एक टॉपर हैं तो आप इनमें से बहुत सारी टिप्स को फॉलो करते होंगे, क्या पता कुछ को नहीं करते होंगे। और अगर आप एक टॉपर नहीं हैं तो कैसे एक टॉपर की तरह अपनी आंसर शीट को लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स ऐसी हैं जो साइंस में ही लागू होंगी, लेकिन बाकी मेनली सारे टिप्स हर एक पेपर में आपके लागू होंगी। तो हाउ टू राइट योर आंसर शीट लाइक अ टॉपर, इसकी कुछ हमारे पास 7 टिप्स हैं। ये एक्चुअली में इस वीडियो का पार्ट 1 है। आपको अगर पार्ट में बता, हम यहाँ पे 7 के 7 टिप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको और कोई टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे या सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसके ऊपर हम लोग आगे की वीडियोस बनाएंगे। तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले टिप से, अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। देखो होता क्या है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बच्चा जब एक मॉक टेस्ट करता है, बच्चा जब एक क्वेश्चन पेपर को परफॉर्म करता है, तो उससे गलती ये होती है कि वो मार्किंग स्कीम को कभी भी फॉलो नहीं करता। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत प्रो टिप देने जा रहा हूँ। आप जब भी सैंपल पेपर्स बनाएं खुद से, आपके टीचर्स या हम लोग इस चैनल पे कौन कौन से सैंपल पेपर करवाएंगे उसके तो हम साथ में आंसर करवाएंगे आपको, लेकिन अगर आप खुद से कोई सैंपल पेपर बना रहे हैं तो आंसर है आपको ऐसे सैंपल पेपर्स को बनाना है जिसकी मार्किंग स्कीम हमारे CBSE के द्वारा दी गई हो। यानी कोशिश करें कि ऐसे सैंपल पेपर बनाएं जिनकी मार्किंग स्कीम हमारे CBSE के द्वारा ही प्रोवाइड की गई हो। उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे प्रकार के क्वेश्चन में वो आंसर कैसा मांग रहे हैं। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे सवाल पूछा होता है, साइंस के क्वेश्चन का एग्जांपल मैं दूंगा, कभी कभार सवाल पूछा होता है व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन, 2 नंबर में सवाल होता है। अब हमें लगता है कि वो सिर्फ डीकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ रहा है, लेकिन मार्किंग स्कीम में कभी कभार ये भी लिखा हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको पता ही नहीं था कि टाइप भी लिखने। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या पता आप डीकम्पोजिशन के साथ साथ उसके टाइप्स भी लिख के आ रहे हो लेकिन मार्किंग स्कीम में पीछे ना हो। तो सबसे पहले अपने मार्किंग स्कीम को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मार्किंग स्कीम जानने के यहाँ पे 2 पहलू हो गए। एक तो ये देखना है कि हमारी CBSE कितना आंसर डिमांड कर रही है एक क्वेश्चन के आंसर का। सेकेंड चीज़ आपको ये बट ऑब्वियस पता होना चाहिए कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी कितने कितने मार्क्स के हैं, और हर एक मार्क में अगर सेक्शन डी में मान लो सेक्शन बी की बात करते हैं, 2 नंबर क्या क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। अब उसमें भी अगर 2 पार्ट हैं तो 1 पार्ट 1 नंबर का हो गया, उसमें कितना लिखना है उसके ऊपर अभी हम आगे के टिप के बारे में बात करेंगे। लेकिन मार्किंग स्कीमों को अच्छे से स्टडी करो, ज़्यादातर पेपर खुद से वो बनाओ जिनके आपके पास मार्किंग स्कीम हो। आंसर नहीं, सॉल्यूशन अलग चीज़ होती है, मार्किंग स्कीम अलग होती है। इसमें लिखा होता है कि इसके इस हिस्से के आपको इतने नंबर मिलेंगे और इस हिस्से के आपको इतने नंबर मिलेंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है मास्टर योर कंटेंट। अब मास्टर योर कंटेंट का मतलब क्या है, होता क्या है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है, कभी कभार ऐसा होता है पेड बैच की मैं अगर बात करूँ या ऑफलाइन की बात करूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ, लेट अस सपोज डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं उनको रेडॉक्स रिएक्शन आती तो है, वो मुझे हिंदी में तो बता देते हैं, लेकिन जब वो अंग्रेजी में लिख रहे होते हैं तो हर एक आंसर की उनके पास मास्टरी नहीं होती है। पॉइंट इज कि बेसिक डेफिनेशंस की आपको मास्टरी होनी चाहिए, आपने 20 जगह लिखी होनी चाहिए, आपने 30 जगह लिखी होनी चाहिए, कि जैसे कोई मुझे बोले डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन, डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन, डिफाइन थर्माइट रिएक्शन, डिफाइन रोस्टिंग, डिफाइन कैल्सिनेशन, मेरे दिमाग में बिना कोई सेकेंड थॉट के बस उसकी डेफिनेशन आ जाए और मैं लिख दूँ। तो अपने कंटेंट पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में इस पॉइंट को समझाऊँ, जितना ज़्यादा अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ा होगा क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में, होता क्या है कि हम लोग पूरे साल चैप्टर को नोट से पढ़ते आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका चैप्टर एक बार नोट से पूरा हो गया है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि हमेशा क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में चैप्टर को पढ़ें। इससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे कितने आंसर में कितने वर्ड्स लिखने और सबसे परफेक्ट आंसर क्या है। क्या कितनी बार ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता होता है लेकिन आप ये कन्फ्यूज हो कि लिखना कितना है। तो मास्टर योर कंटेंट, अगर आपकी कंटेंट पे पकड़ होगी, जब मुझे याद है जब हम पहली बार टीचिंग कर रहे थे तो हम आंसर को बोलते वक्त बीच बीच में अटक जाया करते थे,
डिक्टेट करते वक्त। आज की डेट में अगर आप मेरे पेड बैच के बच्चे हैं तो पूरे साल में शायद हमने 2 या 3 बारी किताब उठाई होगी कुछ पढ़ाते हुए। NCERT क्वेश्चन करते हुए तो उठाते ही हैं, पर पूरे साल में 2 या 3 बार ही हुआ होगा कहीं गलती से किताब उठा ली होगी, कहीं अटक गए होंगे या देख लिया होगा कि भैया ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है कि नहीं। अदरवाइज बुक की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंटेंट पे मास्टरी हो चुकी है। तो इतना पढ़ा लो कि जब आप लिख रहे होगे तो आपको पता होगा कि इसकी कितनी डेफिनेशन लिखनी है। अरे जैसे इंग्लिश की बात कर लेता, मान लो नेकलेस वाला चैप्टर। अब कई बार हम लोग आउट ऑफ द ट्रैक भी चीज़ें लिख देते हैं जो वहाँ पे डिमांडेड ही नहीं है। तो मास्टरी और कंटेंट को अगर मैं निचोड़ में समझाऊं तो एक चीज़ को इतनी बार पढ़ के रखो कि आंसर लिखते वक्त आपको पता हो कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा ना चला जाए। इसके बाद बात करें अगर हम लोग तो प्लान योर आंसर्स। अब यहां पे भी एक दिक्कत है, कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनके आंसर्स आपने कभी लिखे ना हो बट वो आते हैं आपको, नए हैं आपके लिए। तो अपने आंसर को पहले प्लान कर लो। ये इंग्लिश हिंदी में तो बहुत काम की चीज़ है, SST में बहुत काम की चीज़ है, साइंस में थोड़ी सी कम काम की है बट काम की है। प्लान योर आंसर। सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही पागल नहीं हो जाना होता है, सबसे पहले अपने मन में ना एक प्लान बनाना होता है कि मैं इस आंसर को इस तरीके से लिखूंगा। इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्या कटिंग और ओवर राइटिंग एक बैड आंसर शीट की पहचान है? आंसर है यस। अगर आप कटिंग करते हैं उसी के ऊपर ओवर राइट करते हैं तो ये एक अच्छी आंसर शीट की पहचान नहीं है। तो कटिंग और ओवर राइटिंग को बचाए कैसे? अपने आंसर को पहले से ही प्लान करें, ये गलती बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है ये वाला पॉइंट मुझे आता है, मैं लिख दिया, ये वाला पॉइंट मुझे आता है, मैं लिख दिया। इससे क्या होता है, मान लो आपने मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मान लो 4th या 5th नंबर पर लिखना था आपने पहले ही लिख दिया, अब आप उसको आगे लिखोगे तो वो कंटिन्यूएशन में नहीं जाएगा। एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। सबसे पहले अपने मन में अपने आंसर को प्लान कर लो। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको परफेक्ट आता है, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर आपका कंटेंट मास्टरी है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए क्वेश्चन का आंसर नहीं, आपको आता है लेकिन आप उसे लिख पहली बार रहे हो, तो उसे अपने मन में प्लान कर लो। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मान लो सवाल आता है कि एक्सप्लेन द पाथ ऑफ स्पर्म इन द मेल बॉडी, ठीक है ना, ड्यूरिंग द इजैक्युलेशन। तो आपको इसका आंसर पता है बट इसका आंसर आपने कभी लिखा नहीं है, तो दिमाग में प्लान कर लो कि सबसे पहले मैं बोलूँगा कि स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर से इतना चाहिए, ये पॉइंट मैं ज़रूर लिखूंगा। कि मान लो आप ये पॉइंट जब आप पहले आंसर लिखना शुरू कर दो तो वो टेम्परेचर वाला पॉइंट आपको याद ना आए, अब बाद में आएगा, अब बाद में लिखोगे तो फ्लो कितना ख़राब, वो तो टेस्टिस में ही आना चाहिए। फिर वास डिफरेंसेज आएगा, वेसल्स आएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आएंगे जहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड होगा, फिर वो पीनस के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये पूरा एक पाथ अपने मन में बना लो, उसके बाद फिर आंसर को लिखना शुरू करो। टिप नंबर 4 पर मैं जाऊँगा, प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइसली। अब इसका मतलब क्या है देखो, प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइसली मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो मॉक टेस्ट कैसे करते हैं, उनके पास विद सॉल्यूशन होते हैं लेकिन वो हाथ से कभी भी लिख के नहीं करते। सबसे बड़ी मिस्टेक है, हर एक मॉक टेस्ट को अपने हाथ से लिख के करना होगा ताकि आपको समझ में आए क्या मैं 2 नंबर में सफिशिएंट आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या मैं 3 नंबर में सफिशिएंट आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या मैं 5 नंबर में सफिशिएंट आंसर लिख रहा हूँ। तो ये तरीके MCQ की चल मैं बात नहीं करूँगा, उसमें कुछ लिखना नहीं है, तो ये वीडियो में MCQ की तो बात ही नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे कैसे आंसर को बेहतर तरीके से टॉपर की तरह लिखे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के सवाल हैं उसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने बहुत बच्चे देखे जिन्होंने इतने पेपर कर रखे होते हैं कि वो 2 नंबर के सारे सवाल लगभग सेम लेंथ के, सेम साइज के करते हैं और उसमें उनको उसको करने की हैबिट हो चुकी होती है, एक्चुअली एक आदत बन गई होती है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूँ इसी टिप में, तो होता क्या है, क्या ऐसा कहना ठीक है कि अगर मैं 10 सैंपल पेपर कर रखे होंगे या 10 बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी होगी, अब उस पेपर में से मान लो 15 सवाल ऐसे आते हैं जो आपने पहले कभी देखे हुए हैं और आपने उनके आंसर 2 बार 3 बार 4 बार बनाए हुए हैं, तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि आपको आपको बस जैसे क्वेश्चन मिलेगा आप उसको लिख दोगे? और आपने जब उसको पहले लिख के प्रैक्टिस किया होगा तो आपके सेंसेस आपकी हेल्प करेंगे, आपके सेंस ऑर्गन आपको बताएंगे कि तू ये पहले भी लिख चुका है, और आप उतने ही वर्ड्स दोबारा लिख दोगे जहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, अप टू द मार्क वर्ड्स होंगे, अप टू द मार्क पॉइंटर्स होंगे और आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं।
तो लिखने की प्रैक्टिस आपको पहले ही करनी होगी, बार 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 ध्यान रखिएगा। इसका अगर बात करें तो वर्ड लिमिट मिथ, अगर मैं साइंस पेपर की बात करूं तो वर्ड लिमिट एक बहुत बड़ा मिथ है। कई बच्चों को लगता है कि 3 नंबर के सवाल में हमें ज़्यादा लिखना होगा, 5 नंबर के सवाल में हमें और ज़्यादा लिखना होगा। अभी हाल ही की बात है, एक बच्चे के पेपर में, 9th क्लास का बच्चा था, उसके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया, मुझे याद आया इस घटना पर। क्वेश्चन ये था कि एक एलिमेंट दे रखा है, उसमें एटॉमिक नंबर दे रखा है, मास नंबर दे रखा है, और बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और वो 2 नंबर का सवाल दे रखा है। अब बच्चे को लगा क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है तो मैं इलेक्ट्रॉन भी निकाल के आऊँ, प्रोटॉन भी निकाल के आऊँ और न्यूट्रॉन भी निकाल के आऊँ। ठीक है, कहीं ना कहीं उसने सही सोचा, बट वो गलत है। क्यों? उसी के दोस्त ने सिर्फ क्वेश्चन में 2 लाइनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले। कैसे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का पहले फॉर्मूला लिखा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और नीचे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया उसके दोस्त ने। तो उसके दोस्त को भी 2 नंबर मिले, और वहाँ पे इसने जहाँ पे आधी शीट भर दी थी इसको भी 2 नंबर मिले। अरे मिलेंगे ना, क्योंकि भाई SST हिंदी या इंग्लिश तो है नहीं कि ज़्यादा लिखने के आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये टिप तो मैंने अजमाई भी है, मैंने देख रखा है कि ज़्यादा लिखने के यहाँ नंबर नहीं होते हैं, सही लिखने के हमेशा से नंबर होते हैं। तो अगर आपने चीज़ें सही लिखी हैं तो वर्ड लिमिट पे बिल्कुल नहीं जाना है। ध्यान से पढ़ो कितना पूछा गया है। अगर पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल देने और उसके ऊपर परिभाषा आएगी, फिर नीचे एग्जांपल आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 4 नॉन मेटल के नाम दे रखा है, ग्रेफाइट है, तो आंसर है ग्रेफाइट। ठीक है, अगर आपसे नहीं पूछा हुआ है वाई, तो आपको वाई का आंसर देना भी नहीं। कई बच्चे लिखते हैं कि इन चारों में, मैं MCU की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन चारों में ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, फलाना ढिमकाना जरूरत ही नहीं है। कितना पूछा है आपसे इनमें से कौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? अगर उनको वाई पूछना होता तो वो आगे लिख देते हैं कि वाई एक्सप्लेन योर आंसर। अगर ये सब नहीं लिखा हुआ है तो नहीं ज़रूरत है। क्यों हीरो या हीरोइन बन रहे हो बेटा? वहाँ रीज़न में अगर गलती मिल गई तो वो नंबर काट लेंगे, किसको रीज़न ही नहीं पता, आंसर कहते हैं तो कम आ रहा है। तो जितना पूछा उतना, वर्ड लिमिट एक मिथ है साइंस के पेपर में, ध्यान रखना। इसके बाद बात करें तो यूज़ एग्जाम्पल्स एंड रिएक्शंस, ये हमेशा ये वाली टिप साइंस के लिए थी कि आप जब भी आंसर लिखें तो कोशिश करें कि आप एग्जांपल ज़रूर दें, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो। अगर आपसे पूछा है बायसेक्सुअल फ्लावर तो एग्जांपल दे दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि एग्जांपल अगर आपके सही हैं और डेफिनेशन में गलती होती है तो नंबर मिलेंगे आपको। कितनी बार ऐसा होगा कि आपके एग्जांपल्स ही पढ़े जाएंगे कि टीचर कहेगा ठीक है इसको एग्जांपल्स आते हैं। और केमिकल रिएक्शंस में तो ये बहुत होता है। अगर कोई केमिस्ट्री का आंसर आप लिख रहे हो, मान लो वो पूछता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब मान लो अंग्रेजी में आपने ऊपर गलती कर दी लेकिन नीचे लिखा है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, और फिर नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ 30-40% केसेज में टीचर ऊपर आपने क्या लिखा है वो पढ़ेगा भी नहीं, सिर्फ नीचे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ के नंबर दे देगा, बिकॉज नीचे आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अगर केमिस्ट्री का पेपर आप कर रहे हो तो नीचे रिएक्शंस लिखो, अगर आप फिजिक्स या बायोलॉजी कर रहे हो और कोई परिभाषा कुछ भी पूछा हुआ है और उसके कुछ एग्जांपल्स बनते हैं तो नीचे एग्जांपल भी दो। अब कई बार एग्जांपल नहीं बनेंगे तो हर बार जबरदस्ती एग्जांपल देने भी नहीं है। मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि What is the cause of rainbow formation? तो आंसर है dispersion of light is the cause. अब कोई वहाँ पे example थोड़ी ना, रेनबो खुद ही एक अपने आप में example है, तो यहाँ पे कोई example नहीं बन रहा, तो जबरदस्ती example डालने भी नहीं है बेटा, ध्यान रखना। एंड आखिरी टिप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, और वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट खुद से परफॉर्म करो या टीचर को बोलो कि परफॉर्म करवाए। और ये भी ऐसे नहीं करने हैं कि भैया कर लिए, इसका भी एक पैटर्न है। कैसे? आपको, मैं तो क्या करता था, जब मैं मॉक टेस्ट परफॉर्म करता था मैं अपने एक जगह पे बैठ जाया करता था, तब हमारे पास मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, और मैं घर में अपने दरवाजे पे कुंडी मार लिया करता था। हम लोग 2 कमरों के मकान में रहते थे, एक में थोड़ा बाहर की तरफ था, कोई भी आ रहा जा रहा, एक पीछे की तरफ था, मैं वहाँ पर पढ़ता था, उशांक शर्मा बैठ के पढ़ते थे। तो मुझे याद है मैं गेट पर कुंडी मार लिया करता था,
तब हमारे पास मोबाइल तो था नहीं, लेकिन हमारे पास एक क्लॉक हुआ करती थी। वो क्लॉक में क्या था कि मैं 12 बजे का ऐसा भी हमारा टाइम पे हमारा बोर्ड का पेपर 12 बजे हुआ था, तो मैंने को अभी भी याद है कि मैं 12 बजे को उस घड़ी पे 12 बजे को सेट कर लिया करता था। स्टॉप वॉच नहीं, घड़ी का टाइम ही 12 बजे कर दिया करता था। छोटी सी घड़ी थी ग्रीन कलर की, तो मैं 12 बजे का टाइम उस पर कर दिया करता था। और जैसे ही पहले हमारे टाइम पे तो पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता था, सीधा 12 बजे मिलता था, तो मैं 12 बजे शुरू करता था और एग्जैक्टली ढाई यानी कि लगभग ढाई बजे या फिर 2:45 तक अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। अगर टाइम पूरा होगा तो मैं लिखना बंद कर दिया करता था। फिर मैं शांक सर को चेक करवाता था, वो मुझे बताते कि नहीं भाई तूने यहाँ गलती की है, यहाँ सही किया, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी। कम से कम मुझे याद है मैंने 7 या 8 सैम्पल पेपर खुद से बनाए थे अपने प्री बोर्ड से पहले, और बोर्ड तक मैंने लगभग 12-13 सैंपल पेपर प्लस स्कूल के सैंपल पेपर प्लस उषांग सर ने जो क्लासेस में हमारे को करवाए थे वो सैंपल पेपर तो मैंने किए थे खुद से, मैंने 11-12 सैंपल पेपर बनाए थे। तो बेटा सैंपल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने, एक्चुअली उनको मैं सैंपल पेपर भी नहीं कहूँगा, मॉक टेस्ट कहूँगा। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप बनाओगे उतने लिमिटेड टाइम में आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे लिखना है। अंडरलाइन करना है उन वर्ड्स को जो आपको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, और टीचर की निगाह इस पे जानी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बात करूं, मान लेते हैं आपसे पूछा है डिफाइन रेंसिडिटी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल को अंडरलाइन कर दिया, तो पूरा आंसर आपका टीचर पढ़ेगा अभी नहीं, और कहीं पर भी कुछ अजीब से मिस्टेक्स हैं तो वो मिस भी हो जाएंगी, टीचर कहेगा कोई बात नहीं, दिखेंगी भी नहीं। हिंदी इंग्लिश में तो प्रो टिप है भाई साहब, कोई भी आप आंसर लिख रहे हो और उसमें मान लो 100 पैसों को अंडरलाइन कर दिया, 70 पैसों को अंडरलाइन कर दिया लंचो वाला चैप्टर, तो भैया टीचर की निगाह ना चाहते भी वहीं जाएगी और कहीं जाएगी नहीं। अब आज की पूरी क्लास के अंदर हो सकता है आपकी निगाह इस कीबोर्ड पे गई ना हो, ज़्यादातर आपकी निगाह इस पे हो सकता है इस क्लिप पे, हो सकता है इस पेन पे हो, लेकिन बहुतों की निगाह इस कीबोर्ड पे नहीं जाएगी, बिकॉज वो हाईलाइटेड पार्ट है ही नहीं, वाइट के साथ वाइट है, उतना हाईलाइटेड ही नहीं है, समझना। और अगर आप खुद से सैंपल पेपर नहीं कर सकते तो हम लोगों ने बेटा क्रैश कोर्स लॉन्च किया है साइंस एंड फन के ऐप पे, जहाँ पे सिर्फ 780 रुपये में, 780 रुपीज़ में, लगभग रोज़ के 5 रुपये से भी कम में, हम लोगों ने सारे चैप्टर्स करवाने का बीड़ा उठा लिया है सारे सब्जेक्ट के। मान लो अगर आप 9th क्लास का क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको मैथ्स साइंस इंग्लिश SST 10th में भी सेम, अगर आप 11th लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सेम गोज फॉर 12th, इन सारे सब्जेक्ट का बस एक टाइम पेमेंट देनी है 780 रुपीज़ हमें दे देने, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के लाइव क्लासेस मिल जाएंगी क्रैश कोर्स में। हर एक चैप्टर होगा, हर एक चैप्टर के साथ साथ असाइनमेंट्स होंगे, ढेरों मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स होंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। साइंस एंड फन का ऐप है, इंस्टॉल कर सकते हो, ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, आओगे तभी समझ में आएगा कितना बेहतर है लाइव क्लास है सबसे बड़ा इसका। और ऐसा नहीं है कि रोज़ 1 घंटे की क्लास हो रही है, अभी तो 1 घंटे की, आगे जाके 2-2, 3-3 घंटे, रात को 10 से 12 भी हम लोग लाइव जा रहे होंगे। द पॉइंट इज़ कि पेड बैच के तो खैर अपने मजे हैं, बाकी YouTube पे तो बड़ा कंटेंट आता रहेगा। और एक और बात, ये जो वीडियो है ये वीडियो इसका पहला एपिसोड है, आपको अगर लगता है कि ऐसे किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक को डाल दीजिएगा।